हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक एडवाइस। दोस्तों, कभी कभी हमारा किसी वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाता और इस वजह से हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो मिल रहा होता है, लेकिन हम उसको लेने में हिचकिचाते हैं क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा होती है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के मेम्बर को पे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS फ्री में कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिलता है तो आपको वहां पे ट्यूशन फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। पहला, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। इसका बेनिफिट लेने के लिए यदि आप MP बोर्ड से हैं तो आपका 12th में स्कोर 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए, और यदि आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपका 12th में स्कोर 85% या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी पेरेंट्स यानी कि मदर प्लस फादर की एनुअल इनकम 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इसको अप्लाई करने के लिए जब आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में एडमिशन लें तो वहाँ के स्टूडेंट सेक्शन में जाकर कांटेक्ट करें। वो आपको एक फॉर्म फिल करने को बोलेंगे, उसको फिल करने के बाद आपको उसको अपने कॉलेज में ही सबमिट कर देना है। इसका स्कॉलरशिप अमाउंट आपकी कॉलेज में लगने वाली ट्यूशन फीस से थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि आपको कुछ ही महीनों में अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगी, जहां से आप इसको निकाल कर अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है OBC SC ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। पहले हम बात कर लेते हैं SC एंड ST पोस्ट मैट्रिक स्कीम की। इसका बेनिफिट पाने के लिए आपकी कैटेगरी SC या ST होनी चाहिए और आपके पेरेंट्स यानी कि मदर प्लस फादर की एनुअल इनकम 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। यदि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाएगी। अब हम बात करते हैं OBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की। इसका बेनिफिट लेने के लिए आपकी कैटेगरी OBC होनी चाहिए और आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। लेकिन यदि आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से 3 लाख के बीच में है तो आपको सिर्फ आपने ट्यूशन फीस की आधी ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन यदि आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 3 लाख या उससे कम है तो आपको अपनी ट्यूशन फीस का 100% अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, यदि नीट 2020 में आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है और आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने से सिर्फ इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप इन दो स्कॉलरशिप स्कीम में से किसी एक के लिए भी एलिजिबल होते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फीस गवर्नमेंट द्वारा पे की जाएगी। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप इन दोनों में से किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि MBBS की वैल्यू प्राइवेट तथा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दोनों में सेम ही होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, हम नीट से रिलेटेड सारी अपडेट अपने चैनल डॉक एडवाइस पर देते रहते हैं, सो आप डॉक एडवाइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपका कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।